Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. कई बार हम लोगों के मन में ऐसे विचित्र विचार आते हैं कि एक मार्ग दूसरे मार्ग से अच्छा है, कर्म मार्ग अच्छा है योग से, योग मार्ग अच्छा है भक्ति से, भक्ति का मार्ग अच्छा है ज्ञान से। ऐसे नहीं होता। चाहे ज्ञान कहो चाहे भक्ति कहो, एक ही है। और जिसको हम भक्ति कहते हैं और करते हैं, भक्ति कोई नहीं करता, जो करते हैं वो उपासना करते हैं, भक्ति होती है। देखो जैसे खाना बनाते हैं तब भूख शांत होती है खाने के बाद। खाना बनाना यह भूख नहीं है। इसी प्रकार से यह जो हमारे मन में भ्रांति है, कर्म उपासना भक्ति योग ज्ञान, इसको ठीक से समझ ले तो पता चलेगा हर चीज अपने स्थान पर आवश्यक है। जैसे KG1 KG2 KG3, आप KG1 KG2 में जाओ तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो क्यों जाए? फिर जॉब कब मिलता है? PhD करने से। हम डायरेक्टली PhD करेंगे। अरे अपने औकात पहचानो। तो हमको KG1 KG2 करना भी आवश्यक है, मिडिल स्कूल में जाना भी आवश्यक है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना भी आवश्यक है और नौकरी मिलना भी आवश्यक है। लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। ये सब साधन है, साध्य क्या है? संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुकरुं करणे। डुकरुं करणे माने भाषा। आप कौन सी भाषा में बोलते हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप क्या बोलते हो, वो महत्व की बात है। देखो इसीलिए यहां हमको बताते हैं, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण यदि करो तो आपको जो जो चीजें समझनी चाहिए वो सब चीजें हमने इस तेजोबिंदु उपनिषद के आखिरी अध्याय के पिछले 10-12 श्लोकों में समझ ली। क्या समझ ली? अज कुक्षो जगन नास्ति, आत्म कुक्षो जगन नहीं। ना तो भगवान ने दुनिया निर्माण की है, ना हमने निर्माण करी है। देखो जैसे सपना, सपना ना तो हमने निर्माण किया है, ना तो उस स्वप्न में रहने वाला स्वप्न पुरुष जो सुखी दुखी हो रहा था, ना उसने निर्माण किया है। फिर स्वप्न है कहाँ? कुछ भी नहीं है, जो न होते हुए भास रहा है और उसी को हम सत्य मान के बैठते हैं, वहीं से संसार शुरू है। इसलिए सर्वथा भेद कलनम द्वैता द्वैतम न विद्यते। यह द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत ये सब झगड़े में मत पड़ो, उससे कुछ नहीं होता। अच्छी बात है। अब आखिरी बात बताते हैं इस उपनिषद में, माया कार्यमिदं भेदः भेदम अस्ति चेत् ब्रह्म भावनम। हम एक एक रोग और उसका निदान बता रहे हैं। माया कार्यमिदं भेदम, जहां जहां हमको अलगाव नजर आता है वह माया का कार्य है। अलगाव का मतलब क्या है?
जिस ज्ञान में ज्ञाता और गेय, भोक्ता और भोग्य ये भेद स्वीकार होता है, वह माया का कार्य है। अब सवाल है, माया क्या है? माया माने जो ज्ञान, जो अनुभव हमको इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध होते हैं, वो सभी अनुभव या ज्ञान माया का कार्य है। कितनी सिंपल बात हो गई। माया माने मीयते अनया या सा माया, मीयते माने नाप तोल करना। तो हम लोग अपने इंद्रियों की क्षमता के अनुसार जगत का नाप तोल करते हैं, जैसे आंखों से देख रहे हैं। तो आंखों से हमको लिमिट्स है कि वायलेट और रेड इन लाइट वेव्स के परे कोई लाइट वेव होगी तो उसका ज्ञान हमको अपने आंखों से नहीं हो सकता। और यदि हम ये कहें इसके परे लाइट वेव्स है ही नहीं, तो ये जो है एक्सरे है, बीटा रे, गीटा रे और ये सत्यजीत रे, ये कहाँ जाएंगे? देखो वो भी है। तो हमारा जो ये दुराग्रह है कि हमको जो इंद्रियों से ग्रहण होता है वही सत्य है, हमको जो मन में अनुभव होता है सुख दुख का वही सत्य है, हमको जो अपने बुद्धि में समझ में आता या समझ में नहीं आता वही सत्य है, इस भ्रांति से हटना हो तो क्या करें? ब्रह्म भावनम, यही अभ्यास करें। कैसे? हमने जैसे ये अभ्यास किया है, मैं देह हूँ, ये हमने जाना है कि माना है? ये माना ही तो है ना। अब जब हम देह को मानते हैं तो अपने आप को ब्रह्म क्यों न माने? और उसके बाद फिर जैसे देह देह खेल रहे हैं ना, देह बूढ़ा हो गया तो मैं बूढ़ा हो गया, देह स्त्री का है तो मैं स्त्री हूँ, देह सुंदर है तो मैं सुंदर हूँ, देह काला है तो मैं काला हूँ, देह मोटा है तो मैं मोटा हूँ। ये क्यों? क्योंकि हमने देह देह खेला है कि मैं देह हूँ। वैसे ही अब मैं ब्रह्म हूँ ये खेलो, तो ब्रह्म है आप खेल रहे, गुस्सा आया, अरे ब्रह्म को गुस्सा नहीं आता यार, चुप रहो, एकदम शांत हो जाओगे, याद दिलाना अपने आप को, यार ब्रह्मों के गुस्सा कर रहे, चुप रहो, आनंद ही आनंद है। देखो तो ये जो वेदांत के विचार है ना, ये हमको डाइजेस्ट मालूम भी क्यों नहीं होते? क्योंकि हम केवल दूर रखते हैं उनको, अपने में नहीं लगाते। अपने साथ व्यवहार करना है तो वेदांत का, जगत के साथ व्यवहार करना है तो भक्ति का, ध्यान से सुनना। और भक्ति भी वो है जो कभी भागती नहीं, भागने वाली भक्ति भक्ति नहीं होती, वो आसक्ति होती है। देखो, और वैसी भक्ति करते हैं वो भक्ति होती नहीं। अब देखो उदाहरण के लिए, ये जो एनजीओ वाली अम्माएं होती है ना, बच्चों का उद्धार करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहती है, तो ये बच्चों के प्रति प्यार जताती है, उनके लिए कपड़े लाएंगे, उनके खिलौने लाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, फेसबुक में लगाएंगे, और यदि वही बच्चा कोई गड़बड़ी करे तो हटो यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन यदि अपना बच्चा हो तो अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है, पब्लिक के बच्चों के प्रति प्रेम करते हैं, जताते हैं, बताते हैं,
फेसबुक पर लाते हैं। देखो महाराज, इसी प्रकार से जब हमने ये ज्ञान स्वीकार कर लिया कि ब्रह्म भावनम, हमको यही भावना करनी है कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो पहले आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आना यही समझ है। देखो केनोपनिषद की श्रुति कहती है, ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नहीं जाना है, मैंने ऐसे जाना है कि ये जाना नहीं जाता। समझ में आया? देखो संतो, इस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता, इस अनुभव में अनुभवकर्ता निर्माण नहीं होता, इस भोग में भोक्ता निर्माण नहीं होता, और जब ये व्यक्तित्व निर्माण नहीं होते तो संसार निर्माण नहीं होता। देखो, आपने समुन्द्र के किनारे गए और समुन्द्र को देखा, बड़ा आनंद आया। किसी के दिमाग में ये प्रश्न आता है क्या, यार ये समुन्द्र घर ले जाए? नहीं, वहां केवल आनंद है, उसको ओन करने की इच्छा नहीं है। इसीलिए माया कार्यमिदं भेदम, तो जहां जहां हम भेद का प्रतिपादन करते हैं वो संसार है। अपने आप को इससे बचाओ, बचाने का तरीका भेद भावनम। तात्पर्य क्या है, इसके बारे में हमेशा जागरूक रहे। हम सोते हैं ना, इसीलिए झगड़े होते हैं। अब ये भेद भावना को मिटाने के लिए ब्रह्म भावना करनी है, लेकिन क्या करें, मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं, तो फिर भगवान का नाम लो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, लेते रहो। ध्यान से सुनना, ये जब करते हो ना आप, तब समझना चाहिए क्या हो रहा है अंदर। हम लोग विचारों से परेशान नहीं होते, हम लोग परेशान होते विचारों के प्रवाह में बह जाते हैं, उससे परेशान होते हैं। देखो, पहले भी पानी था केरला में, कोई बह गया था क्या? लेकिन जब पानी का बहाव आ गया तो उसमें बह गए। इसी प्रकार से विचारों से कोई दुखी नहीं होता, विचारों के प्रवाह में हम ऐसे बह जाते हैं कि आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। तो ये जो भगवान का नाम लेना है, ये इस विचार के प्रवाह को रोकने के लिए है। देखो, तब आप भक्ति और वेदांत एक हो गया। देखो महाराज, मायाकारमिदं भेदम् अस्ति चेद् ब्रह्म भावनम्, देहोऽहम् इति दुःखम् चेद्, मैं देह हूँ ये दुख के द्वारा प्रभावित हो तो ब्रह्माहम् इति निश्चया, दृढ़ निश्चय करो कि मैं ब्रह्म हूँ। पब्लिक को मत बताना, नहीं तो तुरंत लिख लोगे अपने टी शर्ट पर, मैं ब्रह्म हूँ। क्या समझ रखा है? देखो महाराज, लोग अपना ज्ञान जो है ना टी शर्ट पर लिखते हैं, आई डोंट गूगल, माय वाइफ नोज एवरीथिंग। ये तो सार्वभौम ज्ञान है। इसीलिए देहो हमिति दुखम चेन, यदि देह के दुख के कारण हम परेशान है तो यही फिर ब्रह्मा हमिति निश्चय, ये दृढ़ निश्चय करें। अब इसके लिए एक दो एक्सपेरिमेंट करना है अपने लाइफ में। आप शांत बैठो ध्यान के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, आपको ऐसा लगेगा कुछ खुजली हो रही है, फिर ऐसा लगेगा कोई आया तो नहीं है। ये सब मन के खेल होते हैं, कोई खुजली खाजली नहीं होती। हमारा जो मन है ना, वो मरना नहीं चाहता, इसीलिए या तो भविष्य में जाएगा
या तो भूतकाल में जाएगा। जब लोगों के साथ होते हैं तो हमको भूत चढ़ा रहता है, भूतकाल की बातें करते हैं, जब अपने साथ होते हैं तो भविष्य में चले जाते हैं। इन शॉर्ट, मन हमको वर्तमान में नहीं रहने देता। तो मन को वर्तमान में रहना माने क्या, ब्रह्म मैं हूं ये निश्चय हो गया तो अर्थ क्या हुआ, ब्रह्म के लिए भूत भविष्य नहीं होता, काल के परे चले गए, मन की गति रुक गई। जहां गति है वहां संसार है, जहां स्थिति है वहां परमात्मा है। तो गति कहाँ है, गति देह में है। पहले छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर ऊपर बड़ा, फिर चौड़ा हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, ये देह की गति है। और स्थिति क्या है, इन सभी गतियों का जो आधार है वो जो का त्यों है। और सबसे बढ़िया बात, इसमें करना कुछ नहीं। देखो महाराज, भक्ति की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं और ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं, और दोनों भी, भक्ति और ज्ञान, करते नहीं होता है। उपासना करी योग्य प्रकार से तो तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। हम लोगों ने देखा है त्रिपुरा रहस्य में, जब परशुराम जी ने 12 साल तक के उपासना करी और फ्रस्ट्रेट होकर के आ गए और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने तो टाइम बर्बाद किया 12 साल, पता नहीं कौन है त्रिपुरा देवी। तो भगवान दत्तात्रेय कहते, देखो यही तो फायदा हुआ, अब तुम्हारे दिमाग में विचार आया है ना कौन है त्रिपुरा देवी। जिज्ञासा यदि प्रकट हो गई तब आपकी उपासना सफल हो गई। यदि जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई तो हम भिखारी है। किसलिए जाते हैं भगवान के दरबार में, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, हाँ जी मैं ये करूंगा, मैं नारियल फोड़ूंगा आपके सर पर। इसीलिए सभी भगवानों के सर पर मुकुट देखो महाराज, भक्तों से भगवान डरते हैं। इसीलिए देहो मिति दुखश्चेत ब्रह्मा निश्चय, बस मस्त रहो ना। दुनिया में सब कुछ होता ही रहेगा, और वेदांत के अनुसार हमको जो बताया गया, जो आदमी जितना ज्यादा दुखी होता है उतना उसका ईगो स्ट्रांग होता है। जो आदमी जितना कम दुखी होता है उसका ईगो उतना वीक होता है। भगवान को ईगो है ही नहीं, इसीलिए परमानंद। तो हम वेदांत की साधना कर रहे हैं, इसके क्या लक्षण है, ये लक्षण है। देखो महाराज, दो प्रकार के लोग होते, उपास्ती और अनुपास्ती। उपास्ती माने पहले उपासना कर लिए फिर वेदांत का श्रवण किया है, अनुपास्ती कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया और डायरेक्टली वेदांत शुरू कर दिया और वो चढ़ गया, और चढ़ने के बाद दूसरे का नाप तोल शुरू हो गया, लॉजिक आ गया, क्योंकि पहले उस तरह को धार नहीं लगाई थी और वैसे ही शेविंग करना शुरू कर दिया तो बाल निकलने के जगह में खून निकलने लग गया। अपने मन को पहले बनाना पड़ता है ठीक से, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन सब का इकट्ठा कहो तो कामना इच्छा डिजायर। देखो इसीलिए देहो मिति दुखश्चेत, और जब हमने अपने आप को देह माना है तो उसी क्षण हमारे अंतकरण में इच्छाएं आ गई। फिर
हृदय ग्रंथि अस्तित्वे छिद्यते ब्रह्मचक्रकम संशये समनुप्राप्ते ब्रह्म निश्चयम आश्रये। जब तक के हृदय ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि माने क्या, अविद्या काम कर्म, पहले मैं कौन हूँ इसके बारे में ज्ञान नहीं, उसके प्रभाव से मन में कामना आती है और कामना आने के बाद हम कर्म में लग जाते हैं। उपासना ये कर्म ही है। यदि इस उपासना के द्वारा हम अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना है तो उपासना साधन है। यदि हम केवल अपने आप का समर्पण करने के लिए उपासना कर रहे तो, देखो हम कोई भी किसी का काम कर रहे हैं और काम करने के बाद हम यदि तनख्वाह ले रहे हैं तो हम नौकर हैं, और काम करने के बाद उस कार्य को समर्पित कर दिया है तो हम भक्त हैं। देखो मंदिरों में पंडित जी होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, वो क्या भक्त होते हैं? और पुजारी होते हैं, भक्त नहीं होते। भक्त थे रामकृष्ण परमहंस। देखो संतो, इसीलिए हृदय ग्रंथि अस्तित्वे सती, जब तक के हमारी हृदय ग्रंथि बैठी है, ब्रह्मचक्रकम, इसी ब्रह्मचक्र को इन्वोक करना है। जैसे सुदर्शन चक्र होता है ना, सुदर्शन चक्र हमको इस जन्म मरण के चक्र से जुड़ाता है, इसी प्रकार से ये ब्रह्म चक्र जो है यह हमारे हृदय के ग्रंथि को काट देता है। कैसे काट दिया? जब हमने अपने आप को परिच्छिन्न मैं हूँ और जगत को प्रत्यक्ष यह है और भगवान परोक्ष वहाँ है, ये तीन चीजों को हमने त्याग दिया तो आप संसार से मुक्त हो गए और संसार भी आपसे मुक्त हो गया। केवल आपको संसार से मुक्त नहीं होना है, संसार भी मुक्त हो आपसे, नहीं तो आप जाकर के दूसरे को बताना शुरू कर दोगे, मालूम है ब्रह्म क्या है? देखा है कभी? टाइम तुम्हारा खराब हो गया। एक कहानी आती है, एक बार एक पंडित जी बोट में बैठ के जा रहे थे, नाव में बैठ करके, और अब जिसको ज्ञान पछता नहीं ना वो बोलते रहता है, जैसे मैं बोलता रहेगा, तो उसने बोलना शुरू कर दिया कि ए नाव वाले, हाँ पंडित जी, तुमने गीता पढ़ी है? गीता क्या होती है? पढ़ी नहीं? एक चौथाई जीवन तुम्हारा नष्ट हो गया। बोले कोई बात नहीं, तीन चौथाई तो है ना। फिर उपनिषद पढ़े? बोले ये क्या बला लाए, नहीं मालूम, आधा जीवन खत्म हो गया। ब्रह्म सूत्र पढ़े? हमको तो एक भी सूत्र मालूम नहीं। ये क्या होता है ब्रह्म सूत्र? तुम्हारा तीन चौथाई जीवन खत्म हो गया। उतने में नदी में बाढ़ आ गई और नाव हिलने लग गई। फिर उसने पूछा, पंडित जी आपको तैरना आता है? नहीं, तुम्हारा 100%। देखो महाराज, ये ज्ञान ऐसा है कि आप चाहो तो भी दुखी नहीं हो सकते। जहां आप दुखी हो गए, समय लेना अपना देहात्म भाव दृढ़ है। हम अपने आप को सबसे अलग करके बैठते हैं। हमने कितनी बार आपको बताया है, अध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी। हम कितने विशेषता के बोझा के नीचे दबे हुए हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, ज्यादा ही पढ़ा लिखा हूं। एक और जोड़ लिया, मैं स्पिरिचुअल। अब किसी गधे पर बोझा हो तो हंसेगा क्या? कभी देखा है गधा हंसते हुए? क्योंकि उस पर बोझा है, स्थित प्रज्ञ है।
महाराज, इसीलिए संशय समनुप्राप्ते ब्रह्म निश्चय आश्रय, तो ये निश्चय से दृढ़ता से रहो। भगवद गीता में इसको कितने सरल शब्दों में बताया है, शीतोष्ण सुख दुखेशु जितात्मनः, पहली स्टेज। जीवन में आने वाले जो सुख दुख के द्वंद्व के प्रसंग है, उसका प्रभाव यदि हमारे मन पर न होए और मानापमान यो प्रशांतस्य, मान अपमान हुआ तो भी मन की शांति भंग ना होवे, परमात्मा समाहिता, परमात्मा मिल चुके हैं, भगवान के दर्शन का बोझा नहीं होता। देखो जैसे मेरे गले में ये मालाएं बांध के रखते हैं, इसका बोझा है, चाहे दो लाइट हो चाहे चार लाइट हो, तो चार लाइट का शरीर पर बोझा होता है क्या? ज्ञान का बोझा नहीं होता। ज्ञान मान जहू एक हूं ना ही, यदि ज्ञान का बोझा हुआ तो पांडित्य आ गया। देखो मेरे संतो, ये इतना सहज मार्ग है, इसको चाहे आप कुछ भी कह लो, कर्म कहो, उपासना करो, ज्ञान करो, भक्ति करो, वेदांत कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अनात्म रूप चोरश्चेत आत्मरत्नस्य रक्षणम नित्यानंदमयम ब्रह्म केवलम सर्वदा स्वयं। यदि अनात्म रूपी चोर हो और वो आत्मरूपी रत्न को चुराने वाला हो, तब उसकी रक्षा करो। अनात्मा नाम की कोई वस्तु है क्या? देखो, किसी भी वस्तु को हम अपने से अन्य के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। कैसे? जिस वस्तु का हमको ज्ञान होता है, वह वस्तु महात्म्य रूप से हमारे मन में प्रवेश करती है। देखो, एक बार एक छोटे बच्चे के साथ हम किसी के घर में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पराठा खा रहे थे, वो सत्संग को आता था, और अरे मैं खा यार क्या, बोले स्वामी जी मैं विचार कर रहा हूँ। अरे क्या है, क्या विचार कर रहा है? अरे मैं विचार ये कर रहा हूँ कि पराठा जब प्लेट में है तो भारी है, अपने से अलग है, हाँ जब ये पेट में जाता है तो ये मैं कैसे हो जाता है? कितना सूक्ष्म विचार है। देखो, आपके हाथ में समझो टिफिन बॉक्स दिया है भारी वाला, और चलो इसको लेकर के कैलाश पर्वत पर चलो। नहीं यार बहुत भारी है, अच्छा खा लो। खा लिया, हो गया भारी। जिसको जिसको हम आत्म रूप से स्वीकार करते हैं वो बोझा नहीं होता। जिसको जिसको हम आत्म रूप से स्वीकार करते हैं वो हमारे लिए घृणास्पद नहीं होता। एक भयानक उदाहरण दूं क्या? यही बैठे बैठे अपने लार्ज इंटेस्टाइन में क्या गोबर भरा हुआ है उसका चिंतन करो, या ब्लैडर में जो वहां पानी भरा हुआ है उसका चिंतन करो, आती है क्या घृणा? देखो, मय के प्रति कभी घृणा नहीं होता। इसलिए यहां कहते हैं अनात्म रूप चोरश्चेत, यदि हमारी ये धारणा है कि लोग हमसे अलग है, कोई किसी से अलग नहीं है, उसी पंच महाभूतों से सब भूत बने हुए, सभी भूतों में वही सामान्य है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, सब में वही भूख प्यास है, सब में वही सुख दुख है, सब में वही मान अपमान है, कौन सा फर्क है? इसीलिए ये व्यक्ति से हट करके जब हम अभिव्यक्ति में पहुंचते हैं तो सभी के सभी जितने भी हमारी समस्या है शांत हो जाती है। देखो संतो, इसीलिए अनात्म चोर रूप चोरश्चेत, या अनात्मा कुछ है ही नहीं, अनात्मा से डर होता है, कुछ है ही नहीं अलग,
और नित्यानंदमयम ब्रह्म केवलम सर्वदा स्वयं, हम तो नित्य निरंतर केवल एकमात्र है, मेरे ही कारण सबको सत्ता है। देखो, यदि मैं नहीं तो तू नहीं, यदि मैं और तू नहीं तो वो नहीं। देखो, तो जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है, मई एव सकलम जातम, मई सर्वम प्रतिष्ठितम, मई सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयम अस्मि अहम्, सबका सच मुझ में ही है। इस मय को पहचानना, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, यही तात्पर्य है, चाहे भक्ति कहो चाहे ज्ञान कहो। और भक्ति के प्रसंग में भगवद्गीता के 7वें अध्याय में भगवान बड़ी स्पष्टता से कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, उदारा सर्व एव इति ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। देखो, चार प्रकार के अच्छे लोग मेरा भजन करते हैं, आर्त दुखी, जिज्ञासु जानना चाहते हैं, अर्थार्थी पैसा चाहते हैं, ज्ञानी कुछ नहीं चाहता। और इसीलिए ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, ज्ञानी और भक्त अलग अलग नहीं होते। नारद भक्ति सूत्र में आता है, तस्मिन तज्जने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के भक्त ये अलग नहीं होते। अलग रह करके भक्ति करने वाले केवल उचापत करते हैं। देखो, भगवान की भक्ति केवल आत्मरूप से ही हो सकती है, बाहर की उपासना है, उपासना करते हैं भक्ति होती है। यदि हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो गई, ध्यान से सुनना, तो जैसे हमारा ही हाथ हमारे पेट पर पड़ा तो डर नहीं लगता, लेकिन उसी हेलीपैड पर यदि एक छोटी सी चिपकली कूद गई तो ये पूरा हेलीपैड हिल जाता है। कारण क्या है? हाथ के प्रति अन्य भाव नहीं है। इसीलिए एवं आदि सुदृष्टान्त ये साधितम ब्रह्म मात्रकम ब्रह्मैव सर्वभुवनम भुवनम नाम संत्यज, इस प्रकार से अभी तक के बताते हैं। 130वां श्लोक है, एवं आदि सुदृष्टान्त ही साधिकम ब्रह्म मात्रकम, इस प्रकार से अनेक उदाहरण दे दे करके और समझा समझा करके हमने क्या सिद्ध किया, ब्रह्म मात्रकम केवल एकमेव अद्वितीय परमात्मा है, जिसको योग में परमात्मा कहते हैं, जिसको भक्ति में भगवान कहते हैं, उसी को वेदांत में ब्रह्म कहते हैं। आई वॉन्ट वाटर, वाटर वाटर नहीं मिलेगा, पानी मांगो, ऐसा क्यों? हम अपने मातृभाषा में बोले, ये जो बकवास होती है ना, इसे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से चाहे आप ब्रह्म कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे परमात्मा कहो, चॉइस दिया आपको। तो ए मामा आदि सुदृष्टान्त ही साधितम ब्रह्म मात्रकम ब्रह्मैव सर्वभुवनम। देखो, जो भी है केवल भगवान ही है, परमात्मा ही है। लेकिन फिर कहते भुवनम नाम संत्यज, उसको नाम लगाना छोड़ दो, नाम मत दो। एक अम्मा ने मुझे एक बार पूछा था, स्वामी जी मुझे हमेशा आपको लेकर कन्फ्यूजन होता है। हमने कहा आई एम मेड अप ऑफ दैट। तो बोले कभी लगता है कि आप मेरे पिताजी हो, कभी लगता है कि दादाजी हो, कभी लगता है कि भाई हो, मैं आपको क्या कहूँ? प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों के नाम न दो। क्यों रिश्ते नाते निर्माण करते हैं? और फिर वो रिश्ते नाते निर्माण हो गए, फिर झगड़ा शुरू हो गए। देखो, कई जगह में ऐसा आता है, ये लिविंग इन पार्टनर करके पिछले 25 साल से रह रहे, 15 साल से रह रहे, फिर उन्होंने सोचा शादी कर ले, शादी कर ली, 8 दिन में डाइवोर्स। क्या हो गया? शादी होने से जीवन की दिशा बदल जाती है। महाराज,
अपनी दिशा को ठीक चलाना है तो शादी मत करो। अहम ब्रह्मेति निश्चित्य अहम भावम परिंत्यज। और एक बात दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं ब्रह्म ही हो सकता हूं, फिर क्या करे, मैं को त्याग दे। मैं को त्याग दे माने पब्लिक को मत बताए, मालूम है यार आजकल ब्रह्म हो गया मैं। जैसे लोग शादी के बाद बताते हैं ना, अपनी शादी हो गई, माने सत्यानाश हो गए। देखो इसीलिए अहम ब्रह्मेति निश्चित्य, पहले ये दृढ़ निश्चय कर ले। देखो ध्यान से सुनना, यदि आपको अहम ब्रह्मास्मि यह दृढ़ निश्चय करना है तो क्या होना चाहिए? एक क्षण में जगत, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि शांत हो जाती है। इट डजंट टेक इवन ए फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट। जैसे एक पत्नी को स्त्री होने में कितना समय, कितनी साधना, कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं, कुछ नहीं। तो वो साधना कैसी करे? डोंट टेक द पति सीरियसली। पति सामान उठाने के लिए होता है, उतना काम करा लो हो गया। तो अहम ब्रह्मेति निश्चित अहम भावम परित्यज। जैसे एक बार आपने निश्चय कर लिया, अब मुझे सोना है, निश्चय हो गया ना, फिर मुझे सोना है, मुझे सोना है, ये मैं को हटाओ ना। नींद यदि चाहिए तो मैं को ड्रॉप करना पड़ता है, जब तक के आई वॉन्ट टू स्लीप है तब तक के स्लीप शुरू नहीं होती। इसी प्रकार से यह जो ब्रह्मत्व का निश्चय हो गया, उसके बाद अपने आप ये मैं ड्रॉप हो जाता है। ये न त्यजसी तत्यज। सो इस प्रकार से अहम ब्रह्मेति निश्चित्य अहम भावम परित्यज। और आगे कहते हैं सर्वमेव लयम याति। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ अपने आप में वापस लौट गया। कठोपनिषद में कहते हैं इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। इसको कहते हैं लय प्रक्रिया। सर्वमेव लयम याति। तो पहले बताते हैं कि पहले अपने इंद्रियों को नियंत्रण करो, माने इंद्रियों को अपने तन्मात्र में ले आओ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्र है। फिर उनको मन में लय करो, फिर मन को अपनी वैयक्तिक बुद्धि में लय करो कि मैं कर रहा हूँ साधना। फिर इस मैं जो वैयक्तिक बुद्धि है उसको महान माने समष्टि बुद्धि में करो, महत्तत्व में डालो, माने अपने प्रयत्न का शैथिल्य आना आवश्यक है। और महता परम अव्यक्तम, लेकिन सो मत जाना। कई लोगों की समस्या ये है जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो थोड़ी समय के बाद नींद के झटके आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मैं को तो डिसॉल्व कर लिया, समष्टि में नहीं मिलाया, तो वो नींद में चला गया। और अव्यक्तात् पुरुष परहा, और इस अव्यक्त प्रकृति माया शक्ति इनके परे जो है वो पुरुष तत्व है, अपना स्वरूप है। और पुरुषान्न परम किंचित, आप पहुंच चुके हो, सा काष्ठा सा परागति, यही पराकाष्ठा है लय प्रक्रिया की। इसीलिए अहम ब्रह्मेति निश्चित्य पहले क्लियर हो जाए अपना डेस्टिनेशन कहाँ है। डेस्टिनेशन सिनेमा देखना है क्या? डेस्टिनेशन शादी करना है क्या? डेस्टिनेशन बिजनेस करना है क्या? डेस्टिनेशन डॉक्टरी करना है क्या? क्या डेस्टिनेशन है? हमको डेस्टिनेशन का ही पता नहीं,
देखो डेस्टिनेशन है बी हैप्पी, हम कर क्या रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बिकम हैप्पी, कभी नहीं सफल होते। इन बीइंग हैप्पी यू हैव जीरो एफर्ट्स, इन बिकमिंग हैप्पी यू आर स्ट्रगलिंग विद एफर्ट्स। इसीलिए सर्वम एव लयम याति, धीरे धीरे सब कुछ अपने आप में वैसे ही डिसॉल्व होता है जैसे बर्फ के टुकड़े को एक बकेट पानी में डालो तो धीरे 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 वो कप घुल करके पानी में मिल गया, फिर उसी बर्फ के टुकड़े को आप बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि नाम रूप त्याग हो गया, मैं खत्म हो गया। जहां मैं खत्म हो गया वहां पाप नहीं, पुण्य नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं। देखो संतो, सर्वमेव लयम याति सुप्त हस्तस्त पुष्पवत, जैसे सोने के पहले किसी हाथ में पुष्प हो, यह उपनिषद है इसीलिए उन्होंने हाथ में पुष्प का उदाहरण दिया। आप लोगों को जल्दी समझने के लिए, जब ये लोग पीते हैं ना तो पीते पीते जब चढ़ जाती है तो सुप्त हस्त मदिरावत, हाँ ये प्रैक्टिकल एग्जांपल, को उदाहरण ऐसे देना चाहिए जो समझ में आ जाए। हाथ में फूल लेके कौन सोता है, कोई नहीं सोता, वो लेके रहे हाँ। इसीलिए कहते द ब्यूटी इज इन द हैंड्स ऑफ नो इन द आईज ऑफ ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बियर होल्डर नॉट बी होल्डर। न देहो न च कर्माणि सर्वं ब्रह्मैव केवलं, न भूतं न च कार्यं च न चावस्था चतुष्टयम्। अब धीरे धीरे एक एक का त्याग कर दे, न मे देहो, देह सा मेरा कुछ लेना देना नहीं है, न कर्माणि, न अच्छे बुरे कर्म के चक्र में फंसना है, सर्वं ब्रह्मैव केवलं, सब कुछ परमात्मा मात्र है। आपको हमने एक बात बताई थी, हम लोग भगवान के सामने जब जाते हैं कितनी बड़ी लिस्ट होती है। हम एक बार गए थे शिरडी, वहाँ नमस्कार करने के बाद हमारे साथ एक कमंडलू था। स्वामी जी आपको तो वहाँ खड़ा रहने देते, आप फट से निकल जाते हो, हमको तो धक्का मार के निकालते हैं। हमने कहा देखो यार, जितना लंबा नमस्कार होता है ना लंबी लिस्ट होती है, अपनी लिस्ट है ही नहीं कुछ, क्या मांगना है दुनिया में। फिर भी हमने कहा फिर भी तो सुनो, हमने एक चीज मांगी वो मिल गई। किसी के भी प्रति मजाक में भी सपने में भी एक बार भी घृणा का भाव निर्माण न हो, अपने मन के निर्माण के लिए भक्ति होती है। और जिसका मन निर्माण हो गया ऐसे ही निर्मित मन में तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है। एक पत्थर ले लो आप और पत्थर के सामने खड़े हो जाओ, आपको प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, उसको घसो 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 घसो, उसमें से रफनेस निकल गया तो वही पत्थर में आपका प्रतिबिंब दिखेगा। हम लोग पत्थर हैं, घसो ना खूब से, ऐसे घसो कि उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब दिखेगा। देखो संतो, एक ही दर्पण विज्ञानमय कोश, जब वो बहिर्मुखी होता है तब संसारी, वही विज्ञानमय कोश जब अंतर्मुखी होता है तो अंतर्मुखी होने के कारण अंदर क्या है, ब्रह्म है, तो क्या किसका प्रतिबिंब पड़ेगा, ब्रह्म का प्रतिबिंब। ब्रह्म क्या है, आनंद स्वरूप है, तो जो अंतर्मुखी है वो कभी दुखी नहीं होता, जो बहिर्मुखी है वो कभी सुखी नहीं होता, और जो ज्वालामुखी है राम कृष्ण हरि। देखो हम अपने मन पर किसका प्रतिबिंब पड़ने दे रहे हैं, दुनिया का कि अपने स्वरूप का। इसीलिए न देहो न च कर्माणि सर्वं ब्रह्मैव केवलं,
सब कुछ हो रहा है प्रभु की दया से। इसको समझने के लिए एक जगह बड़ा सुंदर विचार आया था, जिस प्रकार से सपना और जागृत अवस्था ये एकदम अलग अलग है, इसका कोई मतलब नहीं, ये हम स्वीकार कर सकते हैं, उसी प्रकार से आपके जीवन की कोई एक ऐसी घटना जिसके कारण आप बहुत दुखी हो गए थे और आज का समय उस घटना का अविस्मरण करो, तो यह जो पूर्वकालीन बुरी घटना थी वो केवल स्वप्न के जैसी ही है, उसके द्वारा हम उतने दुखी नहीं होते जब उस समय होता हुआ था जैसे दुखी हुए थे। सपने में जैसे दुखी होते जागृत में नहीं होते, पुरानी अच्छी बुरी घटनाओं के कारण उस समय जितने दुखी हुए थे अब दुखी नहीं होते। कारण क्या है? ये सब का सब मन की कल्पना का खेल है। देखो संतो, सावधानी से और समझदारी से जीना ये साधना है। न देहो न च कर्माणि सर्वं ब्रह्मैव केवलं, न भूतं न च कार्यं च न अवस्था चतुष्टयम्। न तो भूत है, ना भविष्य है, ना उसका प्रभाव है, ना अवस्था चतुष्टयम्, ना तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, इसका कोई मतलब नहीं। देखो कितनी सरल बात भगवान कृष्ण ने कही है, मत्तः मेरे ही कारण स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मैं ही जागृत का आधार हूँ, मैं ही स्वप्न का आधार हूँ, मैं ही सुषुप्ति का आधार हूँ और मैं ही समाधि का आधार हूँ। ये चारों बादल आते जाते हैं, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, और अपने पर प्रभाव नहीं पड़ना ये अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप को पहचानो। देखो उसी प्रकार से हम किसी से आसक्त है ये झूठ है, आसक्ति एक इल्यूजन है, भ्रांति है, कोई किसी से आसक्त नहीं है। हम अपने देह से आसक्त नहीं है, जब सोते हैं तो क्या करते हैं? देहात्म भाव का त्यागी तो करते हैं। देखो न भूतम न च कार्यम च न अवस्था चतुष्टयम्, लक्षणात्रय विज्ञानम सर्वम ब्रह्मेविति केवलम। और ब्रह्म को बताने के लिए तत्वशी महावाक्य में तीन लक्षणाओं के प्रयोग की बात आती है। लक्षणा माने इनडायरेक्ट इंडिकेशन, एक को कहते जहल लक्षणा, दूसरे को कहते अजहल लक्षणा, तीसरे को कहते जहल्ला जहल लक्षणा, भयानक है। जहल लक्षणा माने एक भाग का त्याग करके बताना, जैसे तुम चंद्रमा के जैसी सुंदर हो, उसमें से चंद्रमा की गंदगी निकाल देना और राउंड फिगर रखना, तब समझ में आएगा। अजहल लक्षणा माने क्या? वो लाल दौड़ रहा है, अरे लाल कोई दौड़ता है क्या? नहीं यार, लाल घोड़ा। अच्छा अच्छा, लाल के साथ घोड़ा डाल दिया तब उसका अर्थ निकला। जहद अजहद लक्षणा माने थोड़ा रखा थोड़ा निकाल दिया। कैसे? वो देखते हैं ना आप मिनिस्टर, हाँ जी, रिलीजियस मिनिस्टर, हाँ हाँ देख रहे हैं। एक कुंभ मेला में याद है, यही बाबा जी बैठे थे, कई लोगों से पैसे इकट्ठे किए भाग गए थे। आप उस आदमी को समझना हो तो क्या करना पड़ेगा? कुंभ मेले के त्याग कर दो, मिनिस्ट्री का त्याग कर दो, उस समय का त्याग कर दो, इस समय का त्याग कर दो, और जिसका त्याग नहीं हो सकता वो बेवकूफ वो है। इसी प्रकार से ना हमको किसी का त्याग करना है ना किसी को रखना है, क्योंकि अहेयम अनुपादेयम, जिसका त्याग नहीं हो सकता वो अपना स्वरूप। इसीलिए लक्षणात्रय विज्ञानम सर्वम ब्रह्मैव केवलम, इसके द्वारा इसी तत्व का ही हमको ज्ञान है। सर्व व्यापारम उत्सृज यहम ब्रह्मेति भावय, इसीलिए अब बहुत हो गया दुनिया में फिसल फिसल करना, जितना करना है करके रिलैक्स हो जाओ ना,
गाड़ी चलाना सीखना माने गाड़ी को रोकना भी आना चाहिए। आहा, हमने सोचा चलाते रहो, अरे यार रोकोगे क्या दुनिया को? इसी प्रकार से दुनिया में कूदना भी है, वापस भी आना चाहिए। पांचवे अध्याय में भगवान कहते संन्यास कर्मयोगश्च निश्रेष करो उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। जीवन में प्रवृत्ति भी चाहिए, निवृत्ति भी चाहिए, बोलना भी आना चाहिए और चुप रहना भी आना चाहिए। देखो एक सज्जन ने मुझे कहीं पूछा, दिल्ली की बात है, स्वामी जी आप बिल्कुल ठीक से टाइम से शुरू करते हो, बिल्कुल जल्दी बंद करते हो, ऐसा क्यों? हमने कहा बिफोर यू स्टार्ट थ्रोइंग स्टोन्स एट मी आई शुड कीप क्वाइट। जीवन में ये नियंत्रण यदि नहीं होगा तो हम अपने आप का सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं सर्व व्यापार मुसृज, जगत में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना, जितना है उतना करो, हाथ धो लो बस। एक सज्जन दिल्ली के ही, उनकी कंपनी का काम था ये जो बड़े बड़े वर्ल्ड मॉनेटरी फंड वगैरह होते हैं वहाँ से जो लोन लेते हैं उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, तो वो बड़ी सॉलिड होनी चाहिए तब तो वहाँ से करोड़ों डॉलर मिल सकते हैं। तो ये इनका धंधा था जिस कंपनी में थे, तो उन्होंने किसी एक कंपनी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया फैट 1000-2000 पेज का, 6 महीने 8 महीने बड़ी मेहनत करी। मेहनत क्या करी? गूगल 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 और क्या है, मेहनत करी और बना करके सबमिट कर दिया। जब उन्होंने लेकर के दे दिया उस कंपनी के मालिक को तो उसने कहा अच्छा कीप इट देयर ऑन द टेबल एंड योर पेमेंट इज विद माय सेक्रेटरी, कलेक्ट एंड गो। अब इनको बड़ा दुख हुआ, बाहर आ गए, चेक ले लिया, चले गए ऑफिस, जाकर के बॉस के पास गए, सर हमने इतनी मेहनत करी, दिन रात एक किया, उस आदमी ने खोल के देखा तक नहीं, बोले पैसे मिले क्या पेमेंट? हाँ, व्हाई यू वरी, तुमने किस लिए किया था? पेमेंट के लिए ना। ध्यान से सुनो, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। तो एक लड़की किसी बैंक में काम करती थी, तो उसने मुझे पूछा स्वामी जी मुझे दूसरे जगह से अच्छी ऑफर आई है तो मैं उसमें जाऊँ क्या? मैंने जाऊँ, बोले लेकिन इस बैंक के सभी लोग मुझे चाहते हैं, मेरे बॉस ने मुझे कहा तुम फिक्र मत करो मैं तुमको परमिशन प्रमोशन दूंगा वगैरह वगैरह, तो मैं क्या करूँ? हमने कहा तुम बेवकूफ़ हो, पहली बात स्वीकार करो, तुम पैसे जो काम जो कर रहे हो यू आर वर्किंग फॉर मनी, यू आर नॉट वर्किंग फॉर एनी बडी। जिस आदमी के पीछे तुम टैग करके रहोगी यदि उसको निकाल दिया तो तुम कहाँ जाओगी? फिर बाकी सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। बी क्लियर इन योर लाइफ, यू आर वर्किंग ओनली फॉर मनी नॉट फॉर एनी पर्सन। अपने फ्रीडम को रखो क्लियर। तो स्वामी जी हमने कहा तुम्हारा सत्यानाश होना है तो कंटिन्यू, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे उसने 3 महीने का नोटिस दे दिया तो उसके बाद जितने भी उसके बड़े चाहने वाले थे उसको चाय भी नहीं पिलाते थे। फिर फ्रस्ट्रेट हो गए, स्वामी जी देखो कैसे लोग हैं। हमने कहा तुमको अकल सिखा रहे, सब तुम्हारे गुरु है, ये सीख लो यहाँ से, दुनिया में रहना है तो दुनिया के नियमों से रहो, तुम्हारे लिए मैं तो जान दे सकता हूँ और नहीं गई तो तुम्हारे लिए भी सकता हूँ। ये चक्कर में मत पड़ना। संतो इसीलिए सर्व व्यापार मुसृज अहम ब्रह्मेति निश्चय भावय, और अहम ब्रह्म न संदेहो अहम ब्रह्म चिदात्मकम सच्चिदानंद मात्रोहम इति निश्चित तत्यज। इस प्रकार से अपने परमात्मा स्वरूप होने में कोई संदेह ना रखे। अब इसको उल्टा पढ़ो, जिसके बारे में संदेह नहीं होता वो हम है, जिसके बारे में संदेह नहीं होता उसके बारे में प्रश्न नहीं उठते। अब प्रश्न किसके बारे में आते हैं? अन्य के बारे में।
हमको अपने होने के बारे में संदेह है क्या? नहीं। इसीलिए अहम ब्रह्मेन संदेह, ये संदेह का विषय नहीं है, यह अनुभव का विषय है। संदेह अन्य के बारे में होता है। सो अहम ब्रह्म चिदात्मकम, यह जो अपने अपना भान है और सच्चिदानंद मात्रो हम, तो ये तीनों शब्द इसमें आ गए। हम ब्रह्म है सत, चिदात्मकम चित, सच्चिदानंद मात्र आनंद, ये तीनों के इति निश्चित्य, ये निश्चय करके उसका भी त्याग कर दो, माने शब्दों में फंसे रहो। देखो हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते ये शब्दों को ज्यादा चढ़ाना मत, कहते हैं कि शब्द बड़े श्रेष्ठ होते हैं, शब्द से ही ज्ञान होता है, ये कर करा करके बाद में कहते ये शब्द बकवास से हटाओ इनको। सत इसलिए कहते हैं कि असत का निराकरण करने के लिए, चित इसलिए कहते हैं कि जड़त्व का निराकरण करने के लिए, और आनंद इसलिए कहते हैं कि दुख का निराकरण करने के लिए। जब अभाव अज्ञान और दुख है ही नहीं तो काहे का सच्चिदानंद। जब हम होते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, अपना होना शब्दों के परे है, स्वयं को जानना शब्दों के परे है, अपने होने का अनुभव ये डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इसीलिए सच्चिदानंद मात्रो हम इति निश्चित तत्त्यज, उसका भी त्याग कर दो। शांकरीयम महाशास्त्रम न देयन यस्य कस्यचित, अब देखो कैसी बात कहते हैं। यह जो शांकरीय महाशास्त्रम है, यह भगवान शिव जी ने दिया हुआ जो महान शास्त्र है, न देयम यस्य कस्यचित, किसी भी नत्थु गहरे को मत देना है। देखो यह ज्ञान सबको लिए नहीं है। और आगे कहते न देयम यस्य कस्यचित, नास्तिकाय कृतघ्नाय दुर्वृत्ताय दुरात्मने, कोने नास्तिक जो है, जिनको इस ज्ञान में श्रद्धा नहीं है, इसके होने में जिनको संदेह है, उन्होंने ये ज्ञान, उनको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। अध्यात्म के क्षेत्र में जो अनेक प्रकार के दुश्मन होते हैं उसमें एक दुश्मन है संदेह। बीच में डाउट आ जाता है, यार इतना मैं कर रहा हूँ ठीक जा रहा हूँ कि नहीं, उसे तो वो अच्छा तबला पेटी डिंग 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 डिंग, देखो वहाँ कैसी वो नाचते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। जहाँ आपके मन में संदेह आया, संशय आत्मा विनश्यति, डिस्ट्रॉयड। देखो संदेह से क्या होता है, एक बार हम किसी के यहाँ गए थे खाने के लिए, और उनका एक बहुत बड़ा लड़का था लंबा चौड़ा, तो उसको कहा तुम बैठ खाने के लिए, मैं नहीं बैठूंगा आप खा लो, तो हम खा रहे थे। फिर उसने अपने पिताजी को उठाया, आप उठो यहाँ से, वो इतना मोटा था कि पिताजी एकदम घबरा के उठ गया, चबो बोले आप वहाँ बैठो, उसके लिए जो थाली परोसी थी वहाँ बैठो। और फिर उसने अपने पिताजी ने जो जो खाया था चखा था वही उसने खाया झूठन। हमने कहा क्या पितृभक्त है, बोले पितृभक्त अगर कुछ नहीं, ये सब के सब मुझे मारने पर तुले हैं, इसीलिए मुझे अलग से खाना देते हैं, पिताजी ने खाया ना उसमें जहर नहीं होगा, मेरे खाने में ये लोग जहर मिलाते हैं। देखो संदेह मात्र आया जीवन सत्यानाश। यदि आपके मन में किसी के भी बारे में संदेह है तो आप शांत प्रसन्न नहीं रह सकते। इसीलिए यह नास्तिकाय कृतघ्नाय, कृतघ्न माने जो हमारे लिए प्रभु ने इतना दिया सब भूल गए। देखो हमारी स्थिति कैसी है, वो छोटे बालक के जैसी, पहली बार जब बच्चे का दांत गिर जाता है
तो उसकी जबान जहां दांत नहीं है वहां चली जाती है। तो माँ बाप क्या कहते हैं, वहां मत ले जाए अपने जबान को, वहां से सुअर के जैसा दांत बाहर निकलेगा। देखो हमको भी जो प्रभु ने दिया है उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, जो नहीं दिया है उसके बारे में जबान लंबी हो जाएगी। देखो संतो, उसको कृतज्ञ न कहते हैं। ये कृतज्ञता सबसे महापाप है। देखो हमारे लिए माँ बाप ने किया उनको भूल गए, सेवन ओ टू नॉट आउट, जितने भी एक्सपोर्टेड होते हैं ना ब्रांड, ये सब ऐसे ही है। तो नास्तिकाय कृतज्ञाय दुर्वृत्ताय, जिसके अंतकरण में सबके प्रति आदर का भाव न हो वो दुर्वृत्त कहा जाता है। सबके प्रति आदर हो, आदर होने से क्या होता है, देखो जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और यदि भगवान के प्रति आदर हो तो वहां हम अच्छा बिहेव करते हैं। इसी प्रकार से सबके प्रति दुर्वृत्ता है, दुरात्मने माने जो दुरात्मा है, जो दुखी है, केवल दुखी लोग ही दुरात्मा होते हैं। आप देखो दो बच्चे, एक बड़ा प्रॉस्पेरिटी में बड़ा हुआ, डिसिप्लिन में बड़ा हुआ, और दूसरा झोपड़पट्टी में झगड़ा करके बड़ा हुआ है। जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे तो उनका चरित्र एकदम स्पष्ट दिख पड़ता है अलग अलग। इसी प्रकार से इस जन्म में आने के पहले एक स्वर्ग से आया, दूसरा नरक से आया। तो जो स्वर्ग से आया है वो प्रसन्न रहेगा, सबके साथ शेयर करेगा, सबसे बात करेगा। जो नरक से आया है, जो दुखी है, दे आर रिसेंट अराइवल फ्रॉम द हेल। इसीलिए दुरात्मने गुरु भक्ति विशुद्धांत करणाय महात्मने सम्यक परीक्षा दातव्यम मासम षण्मास संवत्सरम। और गुरु भक्ति विशुद्धांत करणाय, जिसके अंतकरण में गुरु भक्ति है, और गुरु भक्ति का तात्पर्य फिर बताते हैं आपको। गुरु भक्ति का तात्पर्य अपने हरेक अनुभूति से हमको सीखना है, हमारे जीवन का हरेक अनुभव हमारे हृदय में गुरु के रूप में प्रकट होता है। गुरु कोई बाहर एक चिड़िया नहीं है। देखो हम कहते तो है कृष्णम वंदे जगत गुरु, यदि भगवान जगत गुरु होते तो दुर्योधन दुशासन को क्यों नहीं पढ़ा सके। देखो संतो, ये जो आलसी होते हैं ना, ये गुरु को बाहर ढके, गुरु मारे वही रहो, नजदीक मत आना, गुरु के हृदय में प्रवेश करने दो। और जहां प्रवेश किया गुरु ने हृदय में, हम अपने हर एक अनुभूति से सीखेंगे। और जो व्यक्ति हर एक अनुभव से सीखता है, ही ग्रोज वाइज विद एज, एंड दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस दे ग्रो अदरवाइज एन ओल्ड। अदरवाइज ओल्ड पीपल आर ए प्रॉब्लम टू द न्यू सोसाइटी। एक अमेरिका की बात है, हम किसी के यहाँ थे तो उसके NRI पेरेंट्स भी आए हुए थे, बुढ़ाऊ 75-80 के करीब। तो ये बुढ़ाऊ लोग तो कभी वर्तमान में रहते नहीं, हम भी थे तो हमारे सामने बात शुरू कर दी, महाराज हमने अपने माँ बाप की सेवा उनके मरते दम तक करी। हमने कहा धन्य है आप, इसीलिए आपकी सेवा आपके पुत्र कर रहे हैं। बोले पता नहीं सेवा कर रहे कि नहीं, लेकिन हम तो यहाँ आ गए, अब क्या कर सकते हैं। वो तो पुत्र सुन रहा था, पुत्र ने कहा पापा आपके पिताजी कब तक रहे। बोले वो तो 50 में ही शांत हो गए। अब 50 में शांत हो तो कोई सेवा कर भी लेगा। नाउ यू आर 102 नॉट आउट, जाने का विचार ही नहीं, कब तक सेवा करेंगे। देखो महाराज, इसीलिए गुरु भक्ति विशुद्धांत करणाय महात्मने सम्यक परीक्षा, उसकी परीक्षा ले लो पहले।
और तब जाकर के दातव्यम, तब यह ज्ञान देना चाहिए। और के मासम षण्मास संवत्सरम, एक दो छः साल में या एक डेढ़ साल में धीरे 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 यह ज्ञान हृदय में उतर आता है। इसीलिए यह कहते हैं, अब बड़ी महत्व की बात, सर्वोपनिषद अभ्यासम दूरतः तत्यज सादरम। अभी तक आपने जितनी उपनिषद की है, पढ़ाई की है, बहुत बढ़िया है, अब उनको बांध करके रख दो। ये तो क्या करोगे, प्रवचन दोगे। देखो, और फिर तेजो बिंदु उपनिषद अभ्यसे सर्वदा मुदा, मुदा खुशी के साथ आनंद से, इसी एक उपनिषद का नित्य निरंतर अध्ययन करें। देखो, धीरे धीरे ये सब हृदय ग्रंथि खुल जाएगी। और जैसे समर्थ रामदास स्वामी लिखते हैं, जैसे मैंने ये भव नदी पार कर ली और बड़ा खुश हो गया, इसीलिए गुरु महाराज को धन्य करने के लिए मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ना गुरु थे ना भव नदी थी, ना मैं कहीं गया ना मैं कहीं आया, मैं जहाँ था वहीं था। अपने स्वरूप में अलगाव नहीं, भेद नहीं, अन्यत्व नहीं, अपना पराया नहीं। सो सर्व उपनिषदाभ्यासम दूरतः त्यज साधरम तेजो बिंदु उपनिषद व्यसे सर्वदा मुदा। ऐसा अभ्यास करते करते सकृत अभ्यास मात्रेण ब्रह्मैव भवति स्वयं। यदि आपने एक बार भी इसका अच्छी तरह से अध्ययन किया तो ब्रह्मैव भवति स्वयं, आपको ये समझ में आएगा आप स्वयं ही ब्रह्म हो। ब्रह्मैव भवति इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्म बनता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति का मतलब नहीं है कि जिसने ब्रह्म को जाना है वो ब्रह्म बन गया, ये बनावटी नहीं है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, वह ज्ञान जिसमें जानना और होना एक है, वेयर नोइंग एंड बीइंग इज वन, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। सकृताभ्यास मात्रेण ब्रह्मैव भवति स्वयं, ब्रह्मैव भवति स्वयं इति उपनिषद, यही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और यदि इसका अभ्यास करना है तो इसी क्षण से खेलना शुरू कर दो ब्रह्म ब्रह्म। देखो कैसे हो ब्रह्म, ठीक हो। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसलिए या कहते भी सहनावतु सहनौ अवतु, हम दोनों एक दूसरे से अपने आप की रक्षा करें। गुरु अपने आप को चेलों से बचाए और चेले अपने आप को गुरु से बचाए, निकालो दक्षिणा। फिर सहनौ भुनक्तु, और इसको सहनौ भुनक्तु माने ये जो शास्त्रों का अध्ययन है इसमें आनंद रस निष्पन्न होता है। ऐसे नहीं यार पता नहीं कितनी उपनिषद है, नहीं। फिर सहवीर्यम करवाव है, दोनों की मेहनत करनी है, नहीं तो गुरु महाराज हाँ उठा, नहीं नहीं उठाते कुछ नहीं, डंडे मारेंगे। देखो वेदांत में आपको बांध के नहीं रखते, खोल देते हैं, पूरा खुला कर दिया, जंप योर सेल्फ इनटू द ओशन। बाकी जगह में बांध बूंद के रखते हैं। आप विवेक चूड़ामणि में पढ़ो, आखिरी में जाकर के सब कुछ हो गया, उसके बाद गुरु अपने रास्ते चला गया, शिष्य अपने रास्ते चला गया, सिनेमा खत्म। अन्यथा पकड़ पकड़ के रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सहवीर्यम करवावहे, और यदि हमने मेहनत करी ठीक से दोनों ने, शिष्य ने गुरु ने, तो तेजस्विनौ अधीतमस्तु, जो हमने पढ़ा है वो तेजस्वी रहे,
तेजस्वी रहे माने क्या? एक लड़का आया परीक्षा देके, घर में हम बैठे थे उसके यहाँ, कमरे के अंदर चला गया, तो माँ ने पूछा क्या हो गया? दरवाजा बंद, वो खराब गया होगा पेपर। थोड़ी देर के बाद आया बाहर, क्या हो गया? पता नहीं मुझे क्या हो गया था, परीक्षा के पहले सब याद था, अभी भी सब याद है, परीक्षा में ब्लैकआउट हो गया। तेजस्विना अधितमस्तु, जब आवश्यकता है तब उसकी वो आना चाहिए। देखो महाराज, दूसरे को बताना बड़ा आसान है, अपने जीवन में उतारना ये साधना है। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञान अभी परिपक्व नहीं हुआ है, अभी ऊपर ऊपर का है। ज्ञान की गहराई को आनंद कहते हैं, और ज्ञान की गहराई नहीं हो तो पांडित्य कहते हैं। अब ये दिखे कि हम पंडिताई कर रहे हैं कि आनंद को प्रकट कर रहे हैं। सकृत अभ्यास मात्रेण ब्रह्म ही भवति स्वयं, सो तेजस्विना अधीतमस्तु। और सबसे महत्व की बात, माँ विद्विषाव है, जिसके अंतकरण में द्वेष का जहर आ गया है, उसने जितना भी अध्ययन इत्यादि किया है सबका सत्यानाश। जैसे आपका कितना भी बढ़िया दूध हो, उसमें थोड़ा भी नमक डाल दो तो सब दूध का सत्यानाश। ओम शांति शांति शांति। ये तीन शांतियां जो है, एक तो है देह को लेकर के, मन को लेकर के, और नासमझी को लेकर के। ये तीन शांतियां हमको प्राप्त होवे। इसके साथ तेजोबिंद उपनिषद समाप्त हुआ कि नहीं, लेकिन हमको खत्म होना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।